उपस्थित है मधुरभाई सवानी, जो कि प्रेसिडेंट है किरण हॉस्पिटल सूरत के, पद्मश्री है। मैं निवेदन करूंगी आपसे कि आपका आशीर्वचन हमें मिले। आदरणीय मधुरभाई सवानी, मेरा निवेदन है कि हमारे अतिथियों को जोरदार ताली लेने का तो हक बनता है, तो तालियों से इनका स्वागत करें। ये अधिवेशन में हमारे मंच में उपस्थित हमारे अधिवेशन में मंचों पर उपस्थित हमारे ऋषिकेश भाई ने जो नाम लिया, सभी आगेवान को मैं आदर करता हूं। सारे देश में से कुर्मी समाज के विविध संगठन में से उपस्थित, हमारे समग्र देश में से उपस्थित भाइयों बहनों का भी मैं गुजरात की धरती पर स्वागत करता हूं। सारा देश का कुर्मी को जोड़ने के लिए दो ही रास्ता हमारे पास है। एक, दूसरे राज्य में रोटी बेटी का व्यवहार होना चाहिए, और दूसरा सभी राज्य के कुर्मी समाज के बीच में व्यापार बिजनेस भी बढ़ना चाहिए। दोनों तरफ अगर आगे बढ़ने के लिए 2013 में ऐसा एक अधिवेशन सूरत में था, तब हमने एक प्रस्ताव रखा था कि गुजरात देश का आगे बढ़ता, विकास के साथ आगे बढ़ता एक राज्य है, तो उनकी साथ जो संधि बढ़ती है, एक बीजा संबंधी बनता है, रोटी बेटी का व्यवहार आगे बढ़ता है, तो सभी राज्य का कुर्मी को एक जोड़ने का अच्छा रास्ता बनेगा। और हमारे कुर्मी डेलीगेटों ने बताया था कि हमारे त्यां गरीब के गरीब को खुद की लड़की का लग्न करने के लिए 5 लाख का दहेज देना पड़ता है, पढ़े लिखे होता है तो करोड़ रुपया दहेज देना पड़ता है। तो हमने एक तब बताया था कि रोटी बेटी व्यवहार आगे बढ़ने से जो राज्य में दहेज प्रथा है वो भी कम होगी। तो सूरत में, अहमदाबाद में, गुजरात में रोटी बेटी का व्यवहार के आगे 1000 से ज्यादा शादियां हुई है, 1000 से ज्यादा शादियां हुई है। हमारे ओडिशा का लोग सूरत के साथ जुड़ रहा है, व्यापार बिजनेस में भी आगे बढ़ रहा है, नौकरी धंधा में भी आगे बढ़ रहा है। तो ऐसा जो सतीश भाई ने और उसकी टीम ने जो वो कार्यक्रम किया है, तो उनके लिए उसको बहुत बहुत मैं बधाई देता हूं। और हमारे रामजी भाई इटालिया, सारे देश में सब कुर्मी को साथ तालमेल मिला के एक प्रयास करता है। हमारा जो लता दीदी है, उसका घर में मैं गया हूं, वो सारे देश में घूमते हैं। हमारे एलपी पटेल है, वर्तमान अध्यक्ष है, सब सारे टीम, तो सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, अभिनंदन देता हूं। और ऑल इंडिया से और भारत से आए हमारे कुर्मी समाज का दर्शन करके बहुत बहुत मैं खुश होता हूं। आभार। बहुत बहुत धन्यवाद मथुर भाई सवानी। मैं इसके बाद सादर आमंत्रित करती हूं हमारे बीच उपस्थित नितिन भाई पटेल, जो कि पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं गुजरात के। मैं चाहूंगी कि वे आए
और अपने विचार रखें। नितिन भाई पटेल। हर मराठा बालक स्वराज का, शिवाजी राजे का।